हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है और हमारे ब्लूटूथ के पेज पर जो है कीप्स स्टॉपिंग लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो इस कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को बंद करना है और आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है ना, यानी कि फ्लाइट मोड होता है, इसे आपको चालू कर लेना है। ठीक है, फ्लाइट मोड को आपको कम से कम ना 5 से 10 सेकंड आपको चालू रखना है, इसके बाद आपको इसे फ्लाइट मोड को बंद कर देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसे ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको इसे एक बार प्रोसेस को करके देख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभी पता नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना, इसमें आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड आना है, यहां पर आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पर आपको टैप करना है। अब आपको यहां पर जो है ना इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है, इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन के ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती, जिसके कारण हमारे ब्लूटूथ में कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पर टैप करना है। तो आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर आपको टैप करना है। तो इसके अगले पेज में आपको रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट पे टैप करना है। तो यहां पर आपको नीचे लिखा हुआ आएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको कनेक्शन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको यह मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको यह एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। तो आपको यहाँ पे रीसेट APN सेटिंग का पेज आएगा, इसमें आपको रीसेट पे टैप करना है। तो आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट। इस तरीके से आपको APN सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपका स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे की साइड रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की GMAIL ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,